सो गाइज ये है ऑल न्यू रेडमी वॉच 3 एक्टिव और काफी दिनों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और आज की वीडियो में बताऊंगा कि लगभग 3,000 रुपए में क्या ये वॉच आपको कंसिडर करना चाहिए या फिर और बतेरों सारे ऑप्शंस हैं आपके पास मार्केट में। जानेंगे सब कुछ इस वॉच के बारे में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस रेडमी वॉच 3 एक्टिव की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब इस वॉच का जो डिजाइन है वो एक तरीके से आप इसको हाइब्रिड कह सकते हैं फिटबिट और एप्पल वॉच का, वो चीज यहाँ पर नजर आती है। जो डिस्प्ले बेजल्स हैं वो साइड से एक्चुअली थोड़े से कर्व्ड मिलते हैं जिसके कारण ये प्रीमियम फील होता है। बेजल्स नो डाउट यहाँ पर आपको काफी बड़े मिल जाएंगे, स्पेशली चिन जो है इसका आपको काफी थिक सा मिलता है, लेकिन इसका कर्व्ड बेजल होने के कारण आपको काफी एलिगेंट लगेगा इसका ओवरऑल डिजाइन। उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जो वेरियंट है ये ग्रे कलर वेरियंट है, यहाँ पर आपको मेटेलिक कोटेड फ्रेम मिल जाता है, बाकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। राइट हैंड साइड आपको मल्टी फंक्शन बटन और माइक मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाता है इसका स्पीकर ग्रिल। बाकी बॉटम की साइड में आपको सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाएगा हार्ट रेट सेंसर, SPO2 मॉनिटर एक डेडिकेटेड मिल जाता है, साथ ही एक्सेलेरोमीटर मिल जाएगा इसके अंदर। इस वॉच का जो स्ट्रैप है वो आपको सिलिकन नहीं TPU मटेरियल का मिलता है, लेकिन काफी सॉफ्ट टच मटेरियल का बना हुआ है और काफी कंफर्टेबल भी है। लेकिन इसके जो पहनते वक्त मैंने जो थोड़ा सा स्ट्रगल फील किया, यहाँ पर जो बकल सिस्टम है इसका वो मुझे इतना ज्यादा कहते हैं ना कि बार बार वो निकल जा रहा था जब इसको मैं पहन ही रहा था, लेकिन एक बार पहनने के बाद अगर फिट हो जाता है उसके बाद आपको ये निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको किसी और बगल सिस्टम की आदत है, कन्वेंशनल बगल सिस्टम की आदत है, तो वरी नॉट, यहाँ पर कंपनी ने इस बार रिप्लेसेबल वॉच स्ट्रैप का इस्तेमाल किया है जिसको आप 20mm वॉच के जो स्ट्रैप आते हैं उसके साथ आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एडिशन मुझे इस वॉच में काफी बढ़िया लगा। आप अपनी मनमर्जी का जो वॉच स्ट्रैप है वो भी लगा सकते हैं। ये वॉच जो है वाटर रेजिस्टेंट भी है अप टू 5 ATM प्रेशर, यानी कि पानी से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 1.83 इंच का 60Hz का 16-bit LCD डिस्प्ले मिलता है जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है करीब 450 nits के आसपास। डेलाइट विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़े हैं तब आपको स्लाइटली थोड़ा सा हाथ रख के ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपको जो इसका डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो निराश नहीं करेगा। ना सिर्फ ब्राइटनेस, इसमें आपको कलर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर कंपनी ने क्लेम किया 60Hz का डिस्प्ले, जो चीज मुझे डे टू डे यूसेज में बहुत अच्छे से वो फील नहीं हुआ। कहीं कहीं जगह पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप सेटिंग्स में जाते हैं तब अगर आप मेनू के ऊपर नीचे अगर आप नेविगेट कर रहे हैं तब आपको ये लगेगा कि हाँ ये 60Hz वाला है, लेकिन मान लीजिए अगर आप स्क्रीन के थ्रू नेविगेट कर रहे हैं लेफ्ट राइट या फिर नोटिफिकेशन पैनल यानी कि जो सेटिंग्स है उसको स्वाइप अप कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्लगिश ये लगता है। डिस्प्ले साइज बड़ा सा है, टेक्स्ट वगैरह देखना और नोटिफिकेशन रीड करना काफी सही सा हो जाता है इसमें। अब अपने यूसेज के दौरान मैंने एक चीज को बहुत मिस किया, वो है इसमें एक लाइट सेंसर यानी कि ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। वो होता तो देखो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है स्मार्ट वॉच को यूज़ करना। बाकी इस वॉच में मुझे निफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि अगर आप पाम ऐसे रखते हैं तो इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है वॉच के ऊपर, वैसे ही अगर आपको डबल टैप करके डिस्प्ले ऑन करना है तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन इसको आपको सेटिंग के अंदर जाकर, वॉच के सेटिंग के अंदर जाकर वो चीज़ ऑन करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे। नाउ बात करें कनेक्टिविटी की, सॉफ्टवेयर की और इसके हेल्थ ट्रैकिंग की, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 पे ये जो वॉच है काम करता है और कनेक्टिविटी में आपको निराश नहीं करेगा। उसी के अलावा यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर भी मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया चीज है इस प्राइस सेगमेंट में, और कॉल क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है, यानी कि सामने वाले को आपकी आवाज और साथ ही सामने वाले की आवाज वो आपको काफी सुनाई देगी। लेकिन अगर आप आउटडोर एनवायरमेंट में है तो देखो अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉच होते हैं जिससे आपको जो ऑडियो क्वालिटी है उतनी बढ़िया नहीं आती है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो थोड़ा सा आपको कम लग सकता है, मान लीजिए अगर आप बाहर है तो आपको बार बार कान के बहुत पास लाना पड़ेगा सामने वाले की आवाज सुनने के लिए। यहाँ पर आपको फोन बुक भी मिल जाता है, अपना फेवरेट कॉन्टैक्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं वाया ऐप, जिससे कि आप काफी हैंडी इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करें सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहले चीज यहाँ पर ऑन करते ही QR कोड आ जाता है, उसको स्कैन करते ही आपको जो Xiaomi का Mi Fit ऐप है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, वहां से आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद एक बार पेयर करने के बाद आप सारी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर पाएंगे इसमें बढ़िया तरीके से। अब ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना आप, अब जो सॉफ्टवेयर इस वॉच में आपको मिलता है यही एक लौती चीज है मैं कह सकता हूँ जो आपको आम स्मार्ट वॉच जो मार्केट में मिलते हैं उससे अलग करता है। देखो Xiaomi आज से ये स्मार्ट वॉचेस नहीं बना रहा है और ना ही फिटनेस बैंड्स, ये काफी टाइम से मार्केट में है, इनके पास जो डेटा है रिसर्च करने के लिए बहुत सारा है, इसलिए इनका जो एनालिसिस है वो भी साफ नजर आता है इनके ऐप के अंदर। जो Mi Fit ऐप है वो काफी क्लीन UI के साथ आता है और काफी बढ़िया से आप उसको पढ़ भी सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है, चाहे आप स्टेप काउंट्स देख लो, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग देख लो, स्लीप ट्रैकिंग देख लो जिसमें आपको REM स्लीप, डीप स्लीप वगैरह भी मिल जाएगा, साथ ही स्लीपिंग के वक्त
अगर आपको ऑक्सीजन लेवल देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। इस वॉच में आपको 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसमें से काफी सारे जो कैजुअल स्पोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, उसके हिसाब से ये आपको कैलोरीज वगैरह बता देता है, जो कि एक्चुअली जो है हाई एंड स्मार्ट वॉचेस में मिलती है, वो चीज इन लोगों ने यहां पर भी दे दिया है। ना सिर्फ यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड आपको बढ़िया मिलता है, लेकिन जो डेटा रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता है उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यानी कि अगर आप वॉक कर रहे हैं इसका जो स्टेप काउंट है वो घोस्ट स्टेप काउंट नहीं करता है, काफ़ी अच्छे से एक्यूरेटली बढ़िया से स्टेप काउंट करके दिखाता है। अगर आप बाकी उसके अलावा GPS की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन GPS नहीं मिलेगा, ऐप के थ्रू ये कनेक्ट होता है, तब जो फ़ोन का जो GPS है उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर आपको फिटनेस डेटा क्लाउड के थ्रू सिंक करना है तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। ये बैंड जो है स्ट्रावा और एप्पल हेल्थ ऐप कंपैटिबल है, जिसके थ्रू आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फोन के नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ने हैं तो वो चीज आराम से ये वॉच दिखाता है, लेकिन यहां पर अगर आप व्हाट्सएप वगैरह देखें उसके यहां पर अगर आपको रिप्लाई करना है तो वो ऑप्शन नहीं मिलता है। आई होप कंपनी आने वाले टाइम में वो चीज़ ऐड कर दे, क्विक रिप्लाई का एटलीस्ट तो वो चीज़ ऐड कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है कि आप बस नोटिफिकेशन देख पाएंगे, लेकिन रिप्लाई आपको फ़ोन से ही करना होगा। ना सिर्फ ये वॉच हार्ट रेट, कैलोरीज बर्न्ड या फिर स्टेप काउंट्स तक ही सीमित है, यहाँ पर आपको ब्लड ऑक्सीजन के साथ साथ स्ट्रेस मॉनिटर, साथ ही अगर आप खड़े भी हैं कितने देर तक, वो भी ये आराम से बता देगा। उसके अलावा इस वॉच में आपको निफ्टी फीचर्स जैसे कि विजेट भी मिल जाता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं एक ही बारी में आपको सारी चीजें रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं विजेट को, आप यहां पर लेआउट उसका चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैलोरीज बर्न्ड ऐड करनी है स्टेप काउंट की बजाय, तो आप वो चीज भी यहां पर इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लगा, और एक बारी में आपको सारे डेटा जो चाहिए होते हैं स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर विजेट के थ्रू दिख जाते हैं। जो ये इम्प्लीमेंटेशन है विजेट्स का, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो ये काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं अगर अपना यूसेज बताऊं, जहां पर मैंने इस वॉच को एक्सटेंसिवली यूज़ किया, रियली यहां पर मैंने इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे रखा, यानी कि हमेशा ऑन रहा इसका डिस्प्ले, स्लीप ट्रैकिंग करी, साथ ही SPO2 मॉनिटरिंग भी करी, उसी के साथ नॉर्मल वॉक किया, यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चेंज करना है वो सारी चीज़ें करी, कॉल्स वगैरह भी अटेंड करी, उन सभी चीज़ों के साथ सारे फंक्शनलिटी ऑन करने के साथ मुझे बैटरी बैकअप मिली करीब 2 दिन की, जो कि फॉर ए स्मार्ट वॉच लाइक दिस काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने सारी चीज़ें ऑन रखी लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रखा, बस ट्विस्ट टू टर्न ऑन द डिस्प्ले ऑन रखा, तो इसके साथ आप आराम से 3 से 4 दिन इस वॉच के साथ निकाल सकते हैं, ये चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि LCD डिस्प्ले है वो थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू AMOLED। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, कि क्या ये स्मार्ट वॉच आपको लगभग 3,000 रुपये के आसपास खरीदना चाहिए या फिर आपके पास बथेरों और ऑप्शन है। ये कोई दो राय नहीं है इसमें, आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं, लेकिन ये स्मार्ट वॉच उन सब से हटके है। वो हटके इसलिए है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना सिर्फ आपको बढ़िया तरीके से सारा डेटा रिप्रेजेंट करता है, ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी रिलायबल भी है। और ये चीज़ मैं आराम से कह सकता हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में कुछ ही ऐसे ब्रांड्स होंगे जो इतना रिलायबल सॉफ्टवेयर देते हैं, तो यही चीज़ बाकी सारे स्मार्ट वॉच को इससे अलग करता है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये वॉच आपको लेना है या नहीं और क्या अलग है इस वॉच में। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।